राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे द्वारा 1 जून को नगर निगम दुर्ग में किए गए जंगी प्रदर्शन को लेकर दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी केएस चौहान ने कहा कि ये आंदोलन भाजपा का नहीं बल्कि आम जनता का आंदोलन था, क्योंकि जब आम आदमी अपनी समस्या को लेकर निगम जाता है तो उसकी समस्या का निराकरण नहीं किया जाता है, ऊपर के लेवल तक आम आदमी की समस्या को पहुंचाया नहीं जाता है, आम जनता को मूलभूत सुविधाएं मिल सके इसलिए ही जंगी प्रदर्शन किया गया। केएस चौहान ने दुर्ग शहर विधायक व निगम के महापौर को आड़े हाथों लेते हुए अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये आंदोलन एक कोई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं था, ये एक आम जनता का आंदोलन था। क्योंकि जब कोई एक आदमी आपके पास अपनी शिकायत लेके जाता है, पर्ची देता है, तो आप कुछ उसका कोई निराकरण ही नहीं करते, आप ऊपर के लेवल तक आप पहुंचाते ही नहीं है और आपके कानों में जू ही नहीं रहती है, क्योंकि आप अपने ही मद में मदहोश हैं। इस वजह से ये आंदोलन को ये बड़ा स्वरूप इसलिए लिया क्योंकि जब कोई बड़ा नेता इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो एक आम जनता को भी उसकी शक्ति मिल जाती है और वो सब मिलके किसका किसका नहीं आया, बहुत लोगों का खुद चल के फोन आया, खुद चल के रिटर्न में दिया भारतीय जनता पार्टी में सुश्री सरोज पांडे जी को पर्सनली कि हमारी ये मांगे पूरी उठाइए, हमारी ये मांगे उठाइए, मुख्य मुख्य मांगे मांगों को 14 मांगों को उठाया गया और आपके हरीश मंडावी जी ने उन मांगों को काम करने के लिए तैयार भी हुए। क्यों तैयार हुए? क्योंकि वो काम पहले से नहीं हो रहे थे, जो कि एक मूलभूत सुविधा है, मूलभूत व्यवस्था थी जो नहीं दे दी जा रही थी। पानी का, पानी में आप राजनीति कर रहे हैं, आप राशन में राजनीति किया आपने कोरोना काल में, आपने पट्टों पे राजनीति किया। मेन बात यह है कि जो नगर निगम का कार्य है वो नगर निगम के पदाधिकारियों को करना चाहिए, लेकिन उनकी पूरी की जो कठपुतली बने हुए हैं महापौर जी हमारे विधायक की, विधायक पूरा सभी काम एक छोटे से छोटा काम से बड़े लेकर बड़ा बड़े से बड़ा काम विधायक कर रहे हैं, ये संवैधानिक रूप से बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जो 1.5 साल के बाद आप चुनाव होने वाला है उसमें आप बोलते हैं कि मैं अपने हिसाब से मेरे को जहां ज्यादा वोट मिल सके, जहां जैसा मिल सके, वहां पर आप तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, सबको समान रूप से करते नहीं, सबको समान रूप से अधिकार नहीं देते हैं। क्या ये इस आक्रोश के कारण इतना जन सैलाब जो उमड़ा है ये आपको एक हिदायत दे रहा है कि अभी भी जो काम आपका दायित्व तो है वही करिए? और दूसरी बात, आपने इस आंदोलन के बाद कोई ठोस प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दी क्योंकि सत्य का आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप लोग दूसरों को आगे करते हैं कि आप ये स्टेटमेंट दीजिए, ये स्टेटमेंट दीजिए, आपका तो ठोस स्टेटमेंट आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको ये जो बोला गया है आपके खिलाफ विधायक जी, महापौर जी, ये आपको एक्सेप्ट है एक्चुअली, इस वजह से आपने ठोस प्रतिक्रिया देने के लायक नहीं है आप। और जो लोग बोलते हैं कि इतने सालों के बाद हमारी सुश्री सरोज पांडे जी ने ये आंदोलन क्यों किया, तो मैं आपको बता दूं कि ये आंदोलन जनता का आंदोलन था। जब बड़ा नेता उनके साथ जुड़ जाता है तो वो आंदोलन अपने आप बड़ा हो जाता है। आप अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करिए, आप नगर निगम के अधिकारियों से, कर्मचारियों से, वहां के सभी लोग स्टाफ से अपने घर में बैठ के अपने परिवार के एक सदस्य के लिए ऑनलाइन वोटिंग करवाइए। यही इसीलिए तो आप इन सभी नगर निगम का पूरे यूज करते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए यूज करते हैं, अपने पर्सनल चीजों के लिए यूज करते हैं, लेकिन इनको जो तनख्वाह जाती है नगर निगम का, जो खर्चा होता है वो हर एक जनता की जेब से जाता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। नगर निगम जनता के लिए है, आपके लिए नहीं, आपकी महत्वाकांक्षा के लिए।